Hey guys, कैसे हैं आप लोग? So, अभी जिम से हम लोग वापस आ गए हैं. आज घर पे थे तो हम लोग साथ में आज वर्कआउट करके आए हैं. मैं किया हूँ लेग और शोल्डर. तुम्हारा कौन सा वर्कआउट था आज? चेस्ट. वाओ, चेस्ट वर्कआउट एंड चेस्ट एंड ट्राइसेप्स. देखते हैं, घर पे तो कुछ एक्साइटिंग करेंगे, कुछ क्रिएटिव. और फ्राइडे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे. I don't want to waste my time, you know. I want to use it for something productive. So we'll do something productive today. Yeah. देखते हैं, नहीं तो कहीं तो जाएंगे. अगर जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं गए तो कुछ एक कुछ बनाएंगे. सोच रही हूँ शाम में थोड़ा पानी पूरी बनाऊंगी, बट श्योर नहीं हूँ. बना भी सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है. सारा कुछ अरेंजमेंट है. शौर्य बोल रहा है उसको खाने का मन है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बनाऊंगी, थोड़ा 5-6 पीस बस. तो बस अभी फ़िलहाल खाना बना. तो यहाँ पर मैंने सारा तैयारी कर लिया है. क्या कढ़ी बनाने का, ये बड़ी के लिए है. और ये कढ़ी इसमें बेसन और दही मिला के रख दिया है, और नमक थोड़ा सा. बस बड़ी छानेंगे और कढ़ी छौंकेंगे. फाइनली एक घंटा के अंदर मैंने सारा खाना बना लिया है. कढ़ी, चावल, आलू का भुजिया, सारा कुछ बना के रेडी कर दिया है. बस मतलब 11 से 12 के बीच में एक घंटा लगा मुझे सारा बनाने में. मैं तो सोच रही थी कि लेट हो गया, क्योंकि एक होता है ना, टाइम अपना फिक्स होता है, उस हिसाब से आदमी सब सेट होता है. तो थोड़ा लेट होता है तो हड़बड़ी हो जाता. हड़बड़ी में क्या हुआ ना, थोड़ा मेरा हाथ जल गया. वो छान रहे थे ना, क्या बोलते हैं, बड़ी छान रहे थे, कढ़ी का जो बड़ी है छान रहे थे, थोड़ा सा जल गया इधर. पर ठीक है, काम टाइम पे हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. और जो एक रूटीन होता है ना, रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा भी इधर उधर होता है तो गड़बड़ हो जाता है. चलिए कभी कभी ये हो, रूटीन से थोड़ा गड़बड़ भी होना चाहिए, ताकि आपको रूटीन वाले दिन का अहमियत समझ में आए, और नॉन रूटीन वाले दिन का अहमियत. तो सबका अपना अपना, हर 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 चीज़ का अपना अपना टाइम होता है. कि तो आज फ्राइडे है, क्योंकि इनका छुट्टी है, तो घर में माहौल छुट्टी वाला हो जाता है. बट शौर्य का तो स्कूल रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं बीच में गड़बड़ हो जाती हूँ. तो बट ठीक है, फ्राइडे है तो कुछ ना कुछ इन्जॉय करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे. तो बस बने रहिए मेरे साथ, ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा. कुछ ना कुछ एक्साइटिंग तो आपको दिखेगा ही, मिलेगा ही. तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो. और कल का वीडियो देखा कि नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने अपना साड़ी कलेक्शन दिखाया है. तो साड़ी कलेक्शन देखिए, अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. और कौन सा साड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ज़रूर बताएँ. तो चलिए, फ़िलहाल मैं 12 से 1 घंटा मैं एडिटिंग करूँगी, अपना काम करूँगी, उसके बाद उसको वीडियो अपलोड करूँगी. और बस यही सब चलता रहेगा. मिलते हैं. आज का कढ़ी इतना टेस्टी बना था. मतलब ऑलमोस्ट पूरा समय, बस दो बड़ी बच गया, थोड़ा सा बचा है, बट पूरा हमने खा लिया. पूरा मतलब बहुत टेस्टी बना था, मतलब मज़ा आ गया खा के. बस अभी जस्ट खाना वाना खाया है हमने. चावल, कढ़ी, बड़ी और आलू का भुजिया. आलू का भुजिया बहुत अच्छा बना था, बट आलू थोड़ा सा
मीठा इस टाइम आता है तो उतना बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था, जबकि मैंने बहुत अच्छे से बनाया था। वो सिंपल वाला नहीं होता है, बस जीरा और नमक हल्दी डाल के मिर्ची, तो वो बनाया था। बस अब जा रहे हैं बर्तन धोने, बर्तन धोएंगे और फिर देखते हैं शाम में। बहुत दिन से मुझे रोल खाने का मन कर रहा है, तो कहीं अच्छा रोल अगर मिलता है तो खाएंगे, और नहीं तो फिर कहीं नहीं गए तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। नहीं तो हाँ, पानी पूरी मैंने सोचा है बनाएंगे, बट देखते हैं बनाएंगे। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हाय गाइस, तो शाम हो गया है और बस थोड़ा चाय पी रहे हैं। हम चाय वाले हैं, उधर कॉफ़ी वाले हैं, वो कॉफ़ी लेके अपना पी रहे हैं और मैं चाय बनाई हूँ। दिन में थोड़ा सा, दिन में क्या मतलब, उधर 4:30-5 में हल्का नींद लग गया और सो गए। पता है ना, छुट्टी सोच के कि कहा चलो कल छुट्टी है, देर भी हुआ, रात तक देर तक भी जगे तो दिक्कत नहीं है, तो वही होता है। तो मेंटली आदमी सोचने लगता है कि चलो सो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो सो गए। बट उठ के गरम गरम स्ट्रॉन्ग टी बनाया है, चाय पियेंगे और फिर सोच रहे हैं कि, सोच रहे, डिसीजन हो रहा है जाएंगे कि नहीं जाएंगे बाहर। देखते हैं, अगर बाहर गए तो अच्छा है, नहीं गए तो भी अच्छा है। तो फिलहाल चाय पीते हैं। फाइनली कहीं तो जाने का प्लान बना, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। कुछ एक कहीं जाके आएंगे। Yes, we'll go. मेरा प्लान मतलब पत्थर की लकीर जाना था सुबह शाम से, कुछ कहीं और जाने का बोल रहे थे और अभी कहीं पर बारिश होगा, गाड़ी नहीं है, तो कल दिन में चलेंगे, इसलिए तो बोले हमेशा। मैंने स्पिनच वाला वो लिया है, क्या बोलते हैं इसको, रैप, तो चलिए गाइस। फाइनली हम कहीं बाहर गए थे, इधर ही सबवे में गए थे, थोड़ा बहुत एक रैप और एक सैलड खाया उन्होंने। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और फ्राइडे का दिन ऐसा भी था हमारा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ एक लाइक कर दें। एक लाइक तो बनता है अगर आप देखते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो बस चलिए गाइस, बाय बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं फिर कल एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।